एक लेकिन मणिशंकर अय्यर जी और उससे पहले सैम पिटोड़ा जी के स्टेटमेंट्स के द्वारा राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजीज उनके नीति उनके विचार के बारे में काफी स्पष्टता हम सबको समझने में देखने को मिल रहा है मैं आज यहां से पूरे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और ये राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए एक अपोलोजिस्ट बन गए हैं एक डिफेंडर बन गए हैं और मुझे ये पूरा यकीन है कि आज कांग्रेस पार्टी के लीडर कहेंगे इन्हें हम डिस्टेंस कर रहे हैं किनारा कर रहे हैं ये तो उनका एक रूटीन बन गया है कि जब 2019 में सैम पिटोडा को जब पूछा गया था कि आप पुलवामा के टेरर इंसिडेंट के बारे में क्या विचार है उन्होंने कहा नहीं टेरर तो होता रहता है इसमें क्या है पाकिस्तान टेरर तो होता रहता है इसमें क्या है तो सैम पिटोडा मणिशंकर अय्यर सैम पिटोडा के बारे में तो उन्होंने डिस्टेंस कर ही लिया है मुझे पूरा यकीन है और आज जयराम रमेश या कोई कांग्रेस के पार्टी वाले मणिशंकर अय्यर के अप्रोच को भी वो डिस्टेंस करेंगे लेकिन ये मणिशंकर अय्यर हो या सैम पिटोड़ा हो या जो भी हो ये एक पैटर्न दर्शाता है कांग्रेस पार्टी के विचार उनके नीति नीयत के बारे में और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अलग अलग एग्जाम्पल कांग्रेस का अप्रोच जो है टुवर्ड्स पाकिस्तान टुवर्ड्स टेररिज्म मनी शंकर अय्यर के बारे में आपने सुना ही है कल जो उन्होंने कहा हाल ही में महाराष्ट्र का एक कांग्रेस लीडर विजय वदतवार ने कहा कि कसाब टेररिस्ट नहीं है और हेमंत करकरे को कोई पुलिस का ही इंस्पेक्टर ने मारा था और इसमें कसाब का कोई दोष नहीं है कांग्रेस के लीडर का एक बयान है 2611 के बाद दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के और राहुल गांधी के एक मेंटर थे उन दिनों में उन्होंने कहा कि ये टेरर अटैक नहीं है ये आरएसएस का साजिश है हाल ही में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं और ये जो डिस्टेंसिंग का सवाल है जो जो रोज कांग्रेस किसी न किसी स्टेटमेंट से डिस्टेंस करते हैं ये पहले भी उन्होंने किया हुआ है सैम पिटोड़ा का हुआ है आज मनीष शंकर अय्यर का होगा उससे पहले दिग्विजय सिंह का भी हुआ लेकिन दिग्विजय सिंह कांग्रेस में ही रहे और नेता बने राज्यसभा एमपी बने कांग्रेस ने ही हाल में केरल और कर्नाटक के इलेक्शन के दौरान एसडीपीआई और पीएफआई दोनों आउटलॉट पी एफ आई ऑर्गेनाइजेशन है टेरर लिंक्स हैं उनके साथ उनका सपोर्ट लिया इलेक्शन के दौरान मैंने सैम पिटोड़ा के बारे में कहा 2019 में उनका क्या बयान था और हाल ही में 2019 में पुलवामा के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा पुंछ के बाद इस रीसेंट टेरर अटैक के बाद यहाँ पे एक इंडियन एयरफोर्स के एक एयर वॉरियर शहीद हुए उसके बारे में भी कांग्रेस के नेता लोग ने क्या कहा आप सबको मालूम है इस सब का एक समरी अगर मैं करना चाहूं तो यह है कि कांग्रेस पार्टी वो राहुल गांधी के नेतृत्व का कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवाद के लिए एक एपोलोजिस्ट बनकर आज खड़े हुए हैं आई स्पीक लिटिल बिट इन इंग्लिश you have noted Manishankar Ayer's recent statement where he has asked India to be fearful of Pakistan and therefore give Pakistan the respect that he believes Pakistan deserves. This is Manishankar Ayer, And this comes on the heels of a statement of Sam Pitoda who talked about, who has talked about in the past terrorism as a issue that nobody should worry about into